वेलकम टू आशीष एनिमेशन। अच्छा फिर नहीं काट दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, देखा लो। वेलकम टू आशीष एनिमेशन गाइस। सो आज ये चीनी फ्री कर दीजिए, ठीक है ठीक है। हेलो गाइस, आप सभी का हेलो गाइस, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आशीष एनिमेशन में। सो मैं उसी के साथ कहना चाहता हूँ आपको कि हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। और आज उसी के विषय में आज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। आज का वीडियो उसी विषय में है, तो आज मैं शुरुआत अपना वीडियो हम लोगों का जो सेशम रूम है वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। छेसम एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग तामांग लैंग्वेज में ना तो मंदिर को छेसम बोलते हैं, जो घर पर जो मंदिर होता है सभी का, तो हम लोग बुद्धिस्ट धर्म में उसको छेसम बोलते हैं। अब बड़ा जो बुद्धिस्ट का जो मंदिर होता है उसको हम लोग गुम्बा बोलते हैं। तो जो ये बाहर का नॉलेज है बाद में किसी दिन और भी बातों बातों में आपको दिखाऊँगा। सो शुरुआत आज मैं यहीं से करना चाहता हूँ। तो आपको उससे पहले मैं आज कुछ यहाँ पर देखिए ना बाहर का दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हम लोग यहाँ पे जो बाहर है, हम अभी ऊपर छत में हूँ, तो छत के ऊपर हम लोग का ऐसा सजावट है। किसी दिन में अपना होम का जो विजिट दिखाऊंगा, होम का जो छोटा सा टूर दिखाऊंगा किसी वीडियो में, उसी वीडियो में आपको अच्छे से दिखाऊंगा। आज ये थोड़ा सा देखिए फूल कितना अच्छे से खिला हुआ है यहाँ पे। तो आज यहीं से शुरुआत करता हूँ। तो हम लोग अभी छत में है, तो छत में हम लोग का यहाँ पे छेसम रूम है। तो छेसम रूम आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जितने भी आपको इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब धार्मिक मतलब बुद्धिस्ट धर्म में जो यूज़ होता है ये सब। यहाँ पे देखिए गेहूँ है, यहाँ पे चावल है, बाकी सभी अभी बहुत सारा नाम मुझका अभी मालूम नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कोई मतलब साधारण सा हम लोग ये नहीं रखते, यहाँ पर जो डिज़ाइन है देखिए यहाँ पे सब बुद्धिस्ट धर्म का जो क्या बोलते हैं उसको अनुयायी है, वैसे टाइप का आपका आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिला है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जिसे बोलते हैं हमें धर्म चक्र बोलते हैं, उस वैसे टाइप का है ये डिज़ाइन भी। बाकी यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं हम लोग वज्र बोलते हैं, इसको वज्र भी बोलते हैं, जैसे इंद्र का जो वज्र बोलता है वैसे ही वज्र है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का सजावट रहता है। और यहाँ पे देखिए तीन भगवान, यहाँ पे बीच का जो है बुद्धिस्ट जो बुद्ध भगवान है यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग सजाते हैं। यहाँ पे हम लोग जब प्रसाद वसाद रखते हैं यहाँ पे काजू किशमिश और भी बहुत सारे फल फूल हम लोग रखते हैं यहाँ पे। तो ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, नीचे जो दिखाई दे रही है जो पानी है, सात ये देखिए सात इसमें बर्तन में पानी रखा हुआ है, सात बर्तन में पानी रखा हुआ है। ये हम लोग रोज़ ही हम लोग इसको चढ़ाते हैं, फिर यहाँ से उतारते हैं। इसको चढ़ाने का तरीका और है, उतारने का तरीका और है, ये किसी दिन आपको ब्लॉग में किसी दिन दिखाऊँगा मैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह चाय चढ़ाते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग ये चाय है हम लोग चढ़ाना पड़ता है, फिर शाम को हम लोग फिर निकालते हैं उसको ये। और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये देखिए ये आपने बहुत सारा यूट्यूब में आपने देखा होगा इसका, जो हम लोग रिलैक्स करते हैं उसको, ये देखिए इस तरह से हम लोग बजाते हैं। और इसका जो गूंजना है जो है तो हम लोग जब ऐसे एक बार बजाने के बाद जो ध्वनि आ रहा है, ध्वनि को हम लोग कान के हम लोग ऐसा ये देखिए साउंड, इसको हम लोग कभी कभी हमने रिलैक्स के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे जो सजावट है आपको दिखा देंगे, देखिए कैमरा में किस तरह से हम लोग सजावट देते हैं। ये देखिए यहाँ का इक्विपमेंट्स ये सब है, ये जो चारों तरफ आप दिखाई दे रहे हैं ये सब कितनी डिफरेंट है। ये गुरु रिम्बुचो का फोटो है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको हम लोग अभी हिंदी में दिया तो नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं आप, ये हम लोग बुद्धिस्ट धर्म में हम लोग जलाते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए सांग धूप जो हम लोग का जो धूपकाठी होता है ये दूसरा टाइप का रहता है। यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे भी हम लोग इसको बंद करके यहाँ पे हम लोग दिया जलाते हैं इसको, इसको दिया जलाते हैं। और ये इसकी इसी का हीट से ऊपर होते हुए आप देखेंगे यहाँ पे एक माने है, ये जो माने हीट के कारण से ये घूमता है, ऐसा घूमता है। तो ये रहा
हम लोगों का घर का जो छोटा सा जो मंदिर है आपको दिखा दिया। तो अब मैं आपको बाहर का एक हम लोग यहाँ पर गांव में जो बुद्ध जयंती हो रहा है उसका भी थोड़ा सा नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड है, तो इसी कारण से मैं अपना वॉइस री रिकॉर्ड करके इस वीडियो में एडिट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही है हम लोग जहाँ पे बुद्ध जयंती मना रहे हैं। और ये रहा देखिए प्रसाद, एक डोनेशन बॉक्स भी है और यहाँ पे पूजा चल रहा है अभी भी। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सजावट करते हैं। हर साल हम लोग यहाँ पे करते हैं खलासी बुट्टी पर बुद्ध जयंती। इससे पहले वाले साल में नहीं हुआ क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम लोगों ने भी नियम कानून फॉलो किया था, इसी कारण से नहीं हुआ था। इस बार हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर जो फूल जो डेकोरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं टोटोरा का फूल बोलते हैं, वो हम लोग बुद्धिस्ट धर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसी फूल को। ये कुछ फोटोज़ जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कम्युनिटीज़ में मेंबर्स हैं यहाँ पे। अभी मैं शायद कुछ जल्दी आ गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया भी नहीं जलाया हुआ है, बत्ती भी नहीं जलाया हुआ है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको प्रत्येक आदमी 3 या फिर 7 करके जलाते हैं, 3 बत्ती या फिर 7 बत्ती करके जलाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग 3 ही बत्ती जलाते हैं क्योंकि सभी को मौका देना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये जब पूरा पूरा जलता है ना तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। एक मेरा दार्जिलिंग का एक ब्लॉग है, माई लाइफ इन दार्जिलिंग, वो वाला ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। उसमें छोटा सा नमूना है जहाँ पे आप देख पाएंगे वहाँ पे जब जलता है तो कैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देखिए, बहुत ही अच्छा है वीडियो। सो यही है, देखिए कितना अच्छा सजावट है यहाँ पे। ऊपर ये देखिए टोटोरा का फूल, सो गाइस मैं फिर से मैं घर में आ चुका हूँ। तो आपने आज जो भी देखा वो बुद्ध पूर्णिमा का जो भी सजावट था वैसा ही होता है हम लोग को यहाँ पे। सो आज का ब्लॉग इतना ही छोटा रखा मैंने क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने कोई ब्लॉग नहीं लेके आया था, तो सोचा कि इस अवसर पर एक छोटा सा ब्लॉग लेके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू और हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा आप सबसे फिर से। थैंक यू।